रूम में आने के बाद तो 15 या 10 मिनट का रेस्ट लिया हम लोगों ने, फिर वापस से भी रेडी होने के लिए जाना पड़ेगा। मम्मी वैसे रेडी होने के लिए चली गई है, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा। और एक चीज मैंने अभी तक देखा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं एयरपोर्ट से अपने रूम में आया, इतने देर में मैंने एक चीज अभी नोटिस किया जो कि अभी मुझे पता चला लास्ट वाले वीडियो में मैं कवर करना भूल गया उसको। मैंने देखा यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं चलता है। जो आईफोन में फेस कैम होता है ना वो दुबई में बैन है, तो ये एक सीन होता है। मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह करना था तो मैं अपने होटल में भी पूछा कैसे मैं कर सकता हूँ, वो एक दो कुछ वीपीएन का नाम सब बता रहे थे। दुबई में अगर आप आते हो तो पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल बैन है, अगर आपको वीडियो कॉल यूज करना है तो वीपीएन से आप यूज कर सकते हो, बट पता नहीं ये लीगल है कि नहीं है। तो हाँ ये एक सीन है, अगर आपको वीडियो कॉल यहाँ पे करना है दुबई में रहकर तो आप अपने फोन में वीपीएन डाउनलोड कर लेना। बाकी काम करते हैं, ये एक दिन में मैं दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले ही लाइव कर दिया है, और ये वीडियो उतना लंबा नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोग को जाना है क्रूज के लिए, वो बस क्रूज में जाकर डिनर वगैरह करना रहेगा, वही सभी है। तो एक काम करते हैं रेडी होके मिलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। दुबई सीरीज का शायद ये तीसरा वीडियो है। कल मैंने वो सिम वगैरह को लेकर बताया था थोड़ा बहुत, कि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया मिले अगर आप भी दुबई आने का सोच रहे हो तो, और वीजा वगैरह के लिए भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वो सभी मैंने बताया हुआ है। फिलहाल अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ मरीना क्रूज, अब वो होटल से कितने दूर है वो मुझे देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल हमारा ड्राइवर नीचे आ गया है और मम्मी भी मस्त एकदम इंडियन साड़ी पहनकर हो गई है रेडी। फिलहाल देख लो मैं और मम्मी रेडी है निकलने के लिए, तो मम्मी एक्साइटेड बहुत। और भाई देखो अभी बाहर का नजारा देख लो, एक सेकंड बैक कैमरा से मैं दिखाता हूँ। तो इसका रूम टूर तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और ये बाहर के नजारे हैं। एक सेकंड अभी देखो क्या खूबसूरत लग रहा है ये। अभी इंडिया में तो वैसे रात का 8:30 बज रहा है, अभी जस्ट अपने होटल से मैं निकला हूँ, निकल के ही देख लो बाहर का कुछ ये नजारा है। अब लग रहा है कि हाँ दुबई में आ गए हैं। और सामने में ये डबल ट्री बाय हिल्टन होटल है, ये भी काफी सही होटल लग रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे मरीना क्रूज। मम्मी रात में दुबई कैसा लग रहा है? जन्नत जैसे लग रहा है, और क्या बोले। अभी हम लोग आ गए हैं मरीना क्रूज, और भाई ये जो नजारा है ना भाई, इसको बस देखते रहो और कुछ करने का मन नहीं करता। और ये सब साउंड आम बात है दुबई में, ये बात मुझे पता चल गया। यहाँ से एंट्रेंस है, मम्मी पीछे पीछे आ रही है इसलिए मैं भी धीरे धीरे जा रहा हूँ। ये बोट होता तो मजा ही आ जाता है, लेकिन अपना वो वाला बोट है। रंगीलो मारो, ये क्रूज कमाल का लग रहा है यार, लेकिन अपना ये वाला है, इसमें रूम वगैरह भी लग रहा है। तो अपने को तो जाना है ऊपर। थैंक यू। तो अभी हम लोग अपने क्रूज पे आ गए हैं, एक्चुअली यहाँ पे हमारा डिनर भी है। तो देख लो मैं और मम्मी बैठ गए, मम्मी के साथ चल रहा है मेरा डेटिंग, तो हम और मम्मी ये साइड वाला सीट में लेकर बैठ गए हैं। और भाई नजारे तो चारों ओर इतने कमाल के दिख रहे हैं ना, क्या ही बताऊं मैं। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ ये सेम चीज मेरे साथ जैसलमेर में भी हुआ था, बहुत ज्यादा प्यास लगता था, और यहाँ भी सेम हो रहा है, प्यास मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है। और ये बोलते ही बोलते आ गया पानी, भाई ये सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे एक ट्रॉपिकल जूस भी आया, लेकिन नहीं अपने को पानी चाहिए था। ये अपना क्रूज निकल चुका है देख लो, और ये सामने का नजारे देख लो, इससे खूबसूरत नजारा मैंने कभी नहीं देखा। मम्मी क्या कहना है ये नजारे को देखकर? मुंह से अभी कुछ बोला नहीं जाएगा। चलो कोई नहीं, तुम नजारा एंजॉय करो, मैं खाना खा लेता हूँ। भाई देखो खाना क्या है क्या नहीं है ये सब मैं रिव्यू करने नहीं आया हूँ, वैसे खाना कैसा हुआ कैसा नहीं वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना दुबई आकर, ये क्रूज राइड मस्ट है। बाकी हाँ बूफे भी लग चुका है, फिर भी दिखाई देंगे आपको खाना क्या है क्या नहीं है। बाकी भाई मन कर रहा है बस ऐसे ही देखते रहो इसको। बूफे में देख लो मैं बोलूंगा काफी सारा ऑप्शन है, बहुत कुछ है यार, नूडल्स पास्ता बिरयानी और भी बहुत कुछ है। वैसे तो खाने में बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन मैंने अपने लिए यहाँ पे बस स्टार्टर आइटम ले लिया है। इस नजारे के साथ खाने का अलग ही मजा है। ये हो रहा है अभी अपना डिनर, डिनर कैसा है कैसा नहीं वो यहाँ से निकल के बताएंगे, क्योंकि यहाँ चल रहा है अभी बॉलीवुड सॉन्ग, नहीं तो मेरे को आ जाएगा कॉपीराइट।
भाई मरीना वगैरह घूमना सब कुछ हो गया। अभी इंडिया टाइम 12:30 बज रहा है, इसलिए नींद से बुरा हाल है। यहाँ पे वैसे लोकल टाइम 10:30 हो रहा है, 10:30 या 11:15 हो रहा है। हाँ जी, तो वो जो कल हम लोग धौ क्रूज से आए, आते आते मेरा और मम्मी दोनों का ही बैंड बज गया था, क्योंकि हम लोग अभी इंडिया टाइम से यूज टू है। यहाँ पे तो रात का 11 बज रहा था, लेकिन अपने इंडिया में 12:30 लगभग बज चुका था, और उस टाइम तक लगभग हम लोग सो जाता है। तो भाई दोनों को एक खतरनाक वाला नींद आ रहा था, इसलिए कुछ व्लॉग नहीं हुआ। मैं रूम आया, आराम से सो गया भाई, और अभी वापस से रेडी हो गया हूँ, जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। वैसे मैं बता दूं धौ क्रूज का, ये मम्मी देख लो कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कराई थी तो वो देख रही थी। मैं बता दूंगा सबका क्या रेट है क्या नहीं है। वैसे देख लो $75 पर पर्सन पड़ता है। मैं जहाँ गया था ना, ये धौ मरीना क्रूज था। मम्मी नजारा कैसा लग रहा था? नजारा तो बोलने पहले तो मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। पहली बार कमेंट करके बता देना मम्मी कैसी लग रही है इस ड्रेस में। कौन पसंद किया था ये? दीदी, बड़ी वाली दीदी। बड़ी दीदी, तो बड़ी दीदी अगर ये वीडियो देख रही हो तो ऐसे ही और भी लाओ मम्मी के लिए, मस्त लग रही है मम्मी। हाँ मम्मी, तुमको ये धौ मरीना क्रूज कैसा लगा कल? कितना तारीफ करे। मम्मी को बहुत अच्छा लगा, मम्मी तो बैक टू बैक वहाँ पे फोटो का तो एक फोटो खींच के दिया पहले। ये देख लो मम्मी के ये फोटो क्लिक करवाई वहाँ पे, और भी बहुत सारा, मेरा भी बहुत सारा फोटोज है मेरा और मम्मी का। ये मेरा और मम्मी का रात का जो नजारा है ना, अगर आपको ओरिजिनल वो दुबई वाला फील लेना है ना, तो ये वाला क्रूज मस्ट है करना। हाँ लेकिन खाना उतना अच्छा नहीं लगा हमें, लेकिन सच बता रहा हूँ हमारे माइंड में वो था ही नहीं कि हम लोग के माइंड में ये था ही नहीं कि हम लोग खाना खाएंगे, ये खाएंगे, खाना कैसा होगा नहीं होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ आइटम अच्छा था, जैसे कि एक फिश फ्राई था, और क्या अच्छा था ना मम्मी, वो पास्ता थोड़ा अच्छा था, और मम्मी को फिश वाला अच्छा लगा ना, हमको फिश वाला, और बाकी कट फ्रूट्स था तो हम लोग कट फ्रूट्स लाए, वही सब खा रहे थे। तो बाकी खाना मतलब एवरेज सा खाना, लेकिन सारे पैसे ये एक्सपीरियंस के थे। वो रात में दुबई को देखना, वो तो आपने वीडियो में देखा ही होगा कैसा लगा था कैसा नहीं। वैसे अगर मैं रुपीज में बात करूं तो पर पर्सन 6,500 के आसपास लगता है, जिसमें आपके होटल से पिक एंड ड्रॉप रहता है, और वहां जाके आपको कम से कम 3 घंटा लगा होगा मम्मी वहाँ पे। हाँ, 3 घंटा, 3 से 3.5 घंटा का ये ट्रिप होता है क्रूज वाला। उसमें आपको बूफे भी मिलता है जैसा कि मैंने दिखाया आपको वीडियो में। बाकी सब कुछ काफी बढ़िया था, एक्सपीरियंस आपका कमाल का होने वाला है। अगर दुबई आ रहे हो तो ये मस्ट है। बाकी तो एक बात और बोलेंगे, हाँ अनजान देश में आए हैं, लेकिन हमको सबसे अच्छा यहाँ का ये लगा, भले खाना अच्छा मिले ना मिले मेरे लिए मंजूर है, हाँ। लेकिन यहाँ का स्वागत और इज्जत इतना ये लोग कर रहे हैं, लोग यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं आपको। अभी हाँ। होटल में भी यहाँ है, यहाँ के लोग भी बहुत, और होटल भी तो खैर है ही कमाल का। तो चलो, होप कि आप लोगों को ये धौ क्रूज वाला वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही अगर और भी कुछ मैं करता हूँ ना, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते रहूंगा। और एक चीज है, हमारे जस्ट होटल के नीचे देख लो ये मेट्रो लाइन है। अगर आप दुबई आ रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि कैब से नहीं घूमना है मेट्रो से घूमना, मैं बोलूंगा ये आपका बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि इतना सारा मेट्रो बैक टू बैक जाता है ना यहाँ पे। कनेक्टिविटी बस का मेट्रो का बहुत अच्छा है, मेट्रो कार्ड आपको एयरपोर्ट से भी मिल जाएगा, तो आप थोड़ा देख सकते हो वहाँ पे। बाकी यहाँ तक ये वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।